Hello students, my name is Atul Kumar, Assistant Professor, BVD, ITM, Lucknow. In this lecture series, we are studying about foundation design, basically foundation engineering a part of soil mechanics, geotechnical engineering. Today, in today's lecture, we will discuss about uh, well foundation. So, let us start. Contents for, for today's topics are introduction to cations and types of cations. So, first what is cation? What do we mean by caisson? What does cation stand for? Basically, the cation term is a French term associated or uh, termed as large chest which refer to the general shape of sh cation which refer to uh, chest means a vertical body a vertical body that is known that can be termed as cation. for as a civil engineering the caisson stands for an, an uh, body which is required uh, or we can say a tube which is required to dewater uh, the dewater from the surrounding area where, where wherever we are using of well foundation or any type of pile foundation, or if your construction foundation inside water systems such the river, oceans, seas, etc. So, let us start. So, so cation means in a, in a civil engineering, the cation is defined as a retaining water tight case in order to keep the water out during, during construction, such for laying the foundation inside the river, bridge, lakes, water, harbour, etc. Any foundation which is constructed, any foundation which is constructed inside a water body, there must be the use of cation. It depends upon, it depend on how which type of cation we are using, but there must existence there should must be use or application of cation over there because because as we know that in a water whole the whole uh, rock bed or soil bed is covered with water. Is covered with water. So, कंस्ट्रक्ट और टू फाउंड अ फाउंडेशन फाउंडेशन स्टोन वी हैव टू डी वाटर दैट एरिया डी वाटर दैट एरिया सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये एक रिवर है और इस रिवर के इस साइड से और यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ब्रिज बनाना है एक ब्रिज बनाना है तो ब्रिज का तो वर्टिकल में मेंरिजेंटल वर्ट, वर्ट, मेंबर जो रहेगा उसको हम गार्डर बोलते हैं तो गार्डर जिस चीज़ के ऊपर लाई करेगा वो फाउंडेशन पिलर के ऊपर लाई करेगा जिसको हम पायर भी बोलते हैं ब्रिज के केस में पायर भी बोलते हैं और पिलर भी कॉलम भी बोल सकते हैं और कॉलम जो वो पे होगा वो फाउंडेशन पर होगा फाउंडेशन आप बोल सकते हैं कि फाउंडेशन हम यहाँ पे जमीन है लैंड है यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं लेकिन लेकिन ये जो बीच वाला पोर्सन जहाँ ये रिवर है जहाँ ये रिवर है इस केस के लिए क्या किया जाए इसमें फाउंडेशन हम कैसे देंगे क्योंकि फाउंडेशन के फाउंडेशन बनाने के लिए इंजीनियर वर्कर्स मटेरियल को वहाँ रखना पड़ेगा मटेरियल को सेट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा लेकिन यहाँ तो कंटिन्यूअस पानी बह रही है पानी चल रहा है फ्लोइंग वाटर या स्टोर्ड वाटर है तो इस केस में क्या किया जाता है इस केस में हमें केशन का यूज़ किया के जाता है केशन मतलब समझिए कवर अगर बहुत ही सिंपल टर्म में अगर हम केशन की बात करें तो केशन को हम लोग एक कवर की तरफ बोल सकते हैं हम क्या करते हैं कि के एक केशन उठा ला एक केशन ला और हम यहाँ पे इसे एक केशन ला और हम केशन को यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं ये हुआ केशन इसको हम लोग बोलेंगे केशन ये इसका टॉप व्यू है एक केशन ये केशन है अब ये केशन क्या करेगा ये केशन क्या करेगा कि अब ये इतने दूर के एरिया को इसने क्या किया कवर कर लिया इतने दूर के एरिया को कवर कर लिया मतलब अब ये और ये केशन क्या है एक वाटर टाइट चैंबर है केशन क्या है एक वाटर टाइट चैंबर है वाटर टाइट टाइट चम्बर मतलब कि अब ये इसके अंदर में बाहर का जो पानी रहेगा इसको आने नहीं देगा ये बाहर के जो पानी होंगे इसको आने नहीं देंगे अब जो पानी है वो सिर्फ अंदर का स्टोर है तो हम क्या करेंगे जो अंदर जो पानी स्टोर हो, हो गया या अंदर जो पानी हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया उसको हम क्या करेंगे डिवाटर करके बाहर निकाल देंगे डिवर्टर करके हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे तो अब हमारा अंदर का सरफेस क्या हो गया वो ड्राई हो गया अब हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी टाइप का कंस्ट्रक किसी भी टाइप का हमें फाउंडेशन लगाना चाहे हमें पाइल्स पाइल, पाइल फाउंडेशन फाउंडेशन करना पड़े वेल फाउंडेशन करना पड़े सालो फाउंडेशन करना पड़े डीप फाउंडेशन करना पड़े उससे फर्क नहीं पड़ा लेकिन अगर हम वाटर बॉडी के अंदर में अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर अगर हमें फाउंडेशन स्टोन अपना लगाना है या फाउंडेशन लगाना है तो उसके लिए आपको केशन का यूज़ करना कंपलसरी है आप पूरे पूरा का पूरा रिवर को तो डिवर्टर नहीं कर सकते ना पंप आउट नहीं कर सकते अब हमें किसे पंप आउट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एरिया जिस एरिया में हमें फाउंडेशन बनाना है उस एरिया उतनी दूर की एरिया की पानी को हम लोग पंप आउट करके बाहर रख सकते हैं अब बात आती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केशन कितने टाइप के होते हैं तो जनरली केशन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं पहला टाइप का जो केशन होता है उसको बोलते हैं ओपन केशन सेकेंड टाइप का केशन जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमेटिक केशन और जो तीसरा टाइप का केशन है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग केशन हम इन तीनों को बारी बारी से एक एक साथ एक एक करके एक्सप्लेन करके समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन केशन की ओपन कैशन नाम से पता चल रहा है ओपन ओपन मतलब कि केशन क्या है केशन को अगर हम इसके इसकी अगर हम वर्टिकल व्यू देखें साइड व्यू देखें तो केशन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा केशन कुछ इस तरीके से दिखता है इस तरीके से इस तरीके से ये अगर रेक्टेंगुलर केशन लें तो इस तरीके से कैशन दिख रहा होगा तो ये क्या है ये क्या है एक इसका वर्टिकल प्रोफाइल है ये इसका क्या है वर्टिकल प्रोफाइल है साइड प्रोफाइल है ये इसका वर्टिकल एंड साइड प्रोफाइल है तो Osionfish. अब इसके टॉप एंड बॉटम एंड पे अगर इसके टॉप एंड बॉटम एंड पे अगर हमारा केशन ओपन है खुला हुआ है कोई वहां पे लिड नहीं है कोई कवर नहीं है कोई प्लेट नहीं है टॉप एंड बॉटम एंड दोनों जो है वो ओपन है तो उस केस उस टाइप के केशन को हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइप के केशन को हम लोग बोलेंगे ओपन केशन ओपन केशन मतलब ओपन क्वेशन सर हॉलो चैम्बर ओपन बोथ एट द टॉप एंड बॉटम ओपन बोथ एट द टॉप एंड बॉटम दूसरा दूसरी चीज क्या होती है कि ओपन केशन में कटिंग एज होता है एज एक कटिंग एज होता है कटिंग एज मतलब कि आप इस प्रोफाइल को देखिए ये एक टिपिकल एक टिपिकल ओपन केशन का डायग्राम है स्कीमेटिक uh, डायग्राम है अब ये क्या देख रहे हैं ये साइड में केशन का वॉल है ये क्या है केशन का वॉल है ये केशन का वॉल है ठीक है ये केशन का वॉल है. है और और ये जो एज आप देख रहे हैं ये, ये जो एज देख रहे हैं ये एज ये क्या है ये, ये कटिंग एज है ये कटिंग एज है अब कटिंग का एज का काम क्या होता है ये हम आगे जब इसका इंस्टॉलेशन की बात कर जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कटिंग एज का क्या है लेकिन अभी फिलहाल टेम्प्ररी के लिए हम समझते हैं कि कटिंग एज क्या करेगा कि जब हम केशन को इंस्टॉल करने रहेंगे ना तो जो नीचे उसके नीचे जो सॉइल uh, है उसको वो क्या करेगा पेनिटेड कट करते हुए नीचे जाएगा और केशन एक सॉइल के लेयर के अंदर चला जाएगा लाइक दिस लाइक दिस ये सपोज़ करते हैं सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर मेरा सॉइल है ये हमारा रिवर का बेड है ये सॉइल है रिवर का बेड है यहाँ पे ठीक है और हमने इसके ऊपर के पानी को इसके ऊपर के पानी को हमने डिवॉटर करके पंप आउट करके बाहर निकाल दिया बाहर निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे तो केशन तो कहीं ना कहीं रेस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे हम कु, कुछ नहीं करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस केशन का जो ये एज एज की तरह रहेगा एक चाकू के नाइफ़ की तरह रहेगा हम इसे क्या करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से पेनिट्रेट करना मतलब इंसर्ट करना शुरू करेंगे जिसको हम लोग सिंकिंग बोलेंगे और इन सिंकिंग करते 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 क्या करेगा केशन इसको कट करते हुए नीचे की चला जा नीचे की तरफ चला जाएगा इसलिए इसका नाम दिया गया कटिंग एज उसके बाद नेक्स्ट जो होता है द केशन इज संक इन टू द प्लेस द बायर फ्रॉम द साइड ऑफ द अंटिल द बेयरिंग और ये कब तक हम संक uh, करेंगे कब तक नीचे जाएगा जब तक कि हम इसे कोई हार्ड स्टेटा जिसपे हमें लोड ट्रांसफर करना था या बेयरिंग स्टेटा जब तक नहीं मिल जाए तब तक हम इस पर क्या करेंगे इस पर हमें सिंक करते चलेंगे इंसर्ट करते चलेंगे ओपन केशन जो वो सुटेबल फॉर सॉफ्ट क्ले ओपन जो ओपन क्वेश्चन है वो सूटेबल फ्लो सॉफ्ट के लिए लेकिन इस पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि जब आप इसका इंसर्शन या जब इसकी सिंकिंग कर रहे होंगे तो बीच में कोई बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ना जाए लाइक like, कोई ऐसा फॉल्टी प्लेन या जोलॉजिकल का रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा सिंकिंग ना कर नहीं कर सके केशन uh, का इस केस के लिए उसी केस के लिए हम क्या करेंगे उस केस के लिए हमें ओपन केशन का यूज़ नहीं करेंगे तब उस केस के लिए फ्लोटिंग केशन या न्यूमेटिक केशन के की डिज़ाइन की तरफ हम लोग चलेंगे केशन का जब सिंक होता है तो उसमें एक वा, वा, एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका जो तो सिंकिंग होता है वो सेल्फ वेट की वजह से होना चाहिए उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो सेल्फ वेट की वजह से होगी और सेल्फ वेट कहाँ से आएगा क्योंकि सिंक जो केशन होगा या तो स्टील का बना होगा या आर सी मटेरियल का बना होगा इन दोनों में से किसी एक का बना होगा तो इस इसका जो सेल्फ वेट होगा इसकी इसकी वजह से उसी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए ना कि अगर उसकी वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है तब हम एडिशनल ब्लास्ट लेते हैं मतलब एडिशनल एग्रीगेट या सैंड उसमें लोड करते हैं ताकि जाके उसका वेट बढ़ सके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है जी केशन केशन इज संस्ड ऑवर स्लोप्ड आउट एट ए सार्प एंगल टू एड सिंकिंग इन वर्टिकल मैनर इट इज यूजअली मेड ऑफ स्टिल द नेक्स्ट इज द शू इज जनरली द कटिंग एज शू इज जनरली वाइटर दैन द केशन टू रिड्यू द फ्रिक्शन एंड लीडिंग इज मे बी सप्लाइड विद प्रेसराइज बेंटोनेट सलडी विच इज स्वेल इन द वॉटर एंड स्टार्ट सेटलमेंट बाई फीलिंग द डिप्रेशन एंड वाइट अब इसका क्या मतलब है इसका बहुत ही सिंपल मतलब यह है कि जब जब केशन का जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे ओपन केशन को जब हम इंस्टॉल कर रहे होंगे तो कटिंग एज तो साइड से कट्टा हो चला जाएगा कटिंग एज मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल केशन की साइज जो है ऑरिजिनल केशन की जो साइज है वो कुछ ये है ऑरिजिनल केशन की साइज है ये लेकिन ये जो कटिंग एज क्या है ये थोड़ा सा इस इसकेशन की साइज से ज़्यादा बड़ा है इस इसकेशन की साइज से ज़्यादा बड़ा है इसलिए बड़ा है कि वर्टिकल मैनर में और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हुए चला जाए दूसरी बात जब हम उसे कट करेंगे जब हम इंसर्ट करते चलेंगे तो जो आसपास के सॉइल के जो वॉल सॉइल वॉल रहेगा रिटेनिंग सॉइल रहेगा वो क्या करेगा वो केशन जो सेफ्ट है सेफ्ट के होल में फिल होना चाहेगा सेफ्ट के होल में फिल होना चाहेगा लेकिन उसके ले लिए हम क्या करेंगे उसके लिए कर कब उसमें जैसे ही इंसर्शन और सिंकिंग चल रहा होगा उसी टाइम पे जैसे ही इंसर्शन और सिंकिंग चल रहा होगा उसी टाइम पे एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे बेंटोनाइट स्लडी को उसमें इन्फ्यूज़ करते रहेंगे धीरे धीरे बेंटोनाइट की बेंटोनाइट स्लडी हम उसमें डालते रहेंगे ताकि जो भी वॉइड हो वो फिल्ड होता रहे वो फिल्ड होता रहे और हमारा सिंकिंग एक प्रॉपर प्रोसेस में और करेक्ट प्रोसेस में कंप्लीट हो ओके okay? अब दूसरे टाइप के केशन की बात करें इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक केशन इसका जो नाम है ये न्यूमेटिक केशन है न्यूमेटिक केशन इज अ रिजिड इन्वर्टेड बॉस विथ इट्स बॉटम ओपन मतलब ये ऐसा केश, केशन है ये ऐसा केशन है जिसका टॉप ओपन क्वेश्चन क्या था कि टॉप एंड बॉटम दोनों क्लोज था टॉप एंड बॉटम दोनों ओपन था लेकिन न्यूमेटिकेशन में टॉप जो होगा वो क्लोज रहेगा और बॉटम जो रहेगा वो ओपन रहेगा टॉप जो रहेगा वो क्लोज रहेगा और बॉटम जो रहेगा वो ओपन रहेगा ठीक है दूसरा इफ द सॉइल इंक्लोज इन एन ओपन केशन कैन नॉट बी एक्सप अब जो बात आती है कि हम न्यूमेटिकेशन का यूज कब करेंगे तो जब जब जो आसपास का जो सॉइल का जो एरिया है जो आसपास का सॉइल जो जो भी हमने केशन से जो भी सराउंडेड किया अगर उस सॉइल को अगर हम एक्स का एक्सकावेशन बहुत ही आसानी से नहीं कर सकते हैं थोड़ी मेहनत या थोड़ी दिक्कत होगी इसका वेट करने के लिए तो उस केस में उस केस में हमें न्यूमेटिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा उस केस में न्यूमेटिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा ठीक है ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन दोनों बहुत जल्दी से हो और न्यूमेटिकेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड वन द इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इज ग्रेट और वेरी डिफिकल्ट ऑब्सट्रक्शन वाइल थिंकिंग अब दूसरे दूसरा केस का क्योंकि हमें जब भी केशन यूज़ का यूज़ करना है जब भी हमें केशन का यूज़ करना है तो केशन का यूज़ हमें पानी में करना है तो अब क्या होता है कि जब अब पानी जब हम केशन इंसर्ट करेंगे तो केशन तो पानी को रोक रहा होगा लेकिन लेकिन जैसे पा केशन को नीचे करते चलेंगे तो बॉटम से क्या होगा कि पानी जो होगा वो पानी का लेवल अपवर्ड करना होगा और अगर एक ऐसा केस आएगा एक ऐसा केस आता है कि हम जितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ़ वाटर जो है वो अंदर इस, अंदर आके एक्यूमलेट हो रहा है अंदर आके आप एक्सटर्नल सोर्स से आके एक्यूमिलट हो रहा है ठीक है जैसे कुछ इस तरीके से कि हम ये मान लीजिए कि ये न्यूमेटिक केशन है ये न्यूमेटिक केशन है और ये अंदर से पानी आ ये निन साइड से पानी आ रहा है और हम ये पानी पानी बाहर से पंप आउट कर रहे हैं लेकिन इस प्रोसेस में आप एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर अगर कुछ ऐसा प्रोसेस आए कि जितना हम पानी बाहर निकाल रहे हैं जितना हम डिस्चार्ज पानी बाहर निकाल रहे हैं उससे ज्यादा का उससे ज्यादा अमाउंट का पानी अगर उसके अंदर में आ रहा है सिंक केशन के अंदर में आ रहा है तो उस केस उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो इसीलिए हम क्या करेंगे न्यूमेटिकेशन का यूज़ करेंगे न्यूमेटिकेशन न्यूमिटिकेशन क्या करेगा कि न्यूमेटिकेशन में ऊपर से आप देख सकते हैं कि एक प्रेशराइज वह एयर सप्लाई है प्रेशराइज एयर सप्लाई है प्रेशराइज एयर सप्लाई क्या करेगा कि ऊपर से एयर प्रेशर बढ़ा के बना के रखेगा एयर एयर का प्रेशर बना के रखेगा जिससे कि जो इन्फ्लक्स हो रहा था पानी स्टेशन के अंदर में अब वो इन्फ्लक्स क्या हो जाएगा रुक रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा और पानी का लेवल जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा पानी का लेवल डिक्रीज़ होता चला जाएगा जिससे कि काम करने में आसानी हो जिससे काम करने में आसानी हो कंप्रेस एयर सप्लाई का एक और है कम्प्रेस एयर सप्लाई का एक और यूज़ है कि सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रेशर मेंटेन करके रखता है ताकि जो वर्कर हैं जो इंजीनियर्स हैं लेबर हैं जो उस सिंकेशन के अंदर में काम कर रहे होंगे उन्हें कोई डिफ़िकल्टी uh, या कोई हार्डशिप फील ना हो इसीलिए हमें एक प्रॉपर एयर सप्लाई एयर प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है जनरली जो एयर प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो होता है थर्टी फाइव न्यूट्रन पर एम एम स्कोर का मिनिमम एयर चाहिए होता है ताकि हमें अच्छे से काम कर सके अच्छे से काम कर सके ओके okay? अब बात करते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूमेटिक केशन कितना डेप्थ रख सकते हैं तो जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूमेटिक केशन जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जितना वो यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हेल्थ ऑफ वर्कर मतलब लेबर को जो भी वर्कर या जो भी इंजीनियर उस केशन के अंदर में काम कर रहे होंगे उन्हें कोई डिफिकल्टी या उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना होगा प्रॉब्लम फेस ना हो उस हिसाब से उस उस उसकी हेल्प लेते हुए हम क्या करेंगे एक डेफ कैलकुलेट करेंगे एग्जांपल में जैसा कि हमें पता है जैसा कि हमें पता है कि अगर एक मीटर का हाइड्रो वाटर का हाइट है अगर वाटर की हेड वन मीटर हाइट की है तो उसमें प्रेशर कितना आ रहा होगा प्रेशर होगा तो प्रेशर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा हाइड्रोस्टेटिक हेड ऑफ वाटर दिया हुआ है तो प्रेशर जो निकालना होगा वो होता है डब्ल्यू इन एच डब्ल्यू एच जहाँ पे W क्या था W जो होता है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर है और H जो है हाइट ऑफ वाटर है तो फॉर वन मीटर हेड अगर हम बात करें फॉर वन मीटर हेड हम बात करें तो प्रेशर कितना होता है 9.1 पॉइंट वन किलोनीटर पर मीटर स्क्वायर नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट एट वन किलोमीटर पर मीटर यूनिट वेट ऑफ वाटर है और वन जो है वो मीटर है तो नाइन पॉइंट एट वन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर परफेक्ट तो हमें पता है कि वाटर की हेड अगर वन मीटर है और यूनिट वेट ऑफ वाटर जो हो नाइन पॉइंट एट वन किलोनीटर पर मीटर क्यूब है तो प्रेशर जो आ रहा होगा जो वॉल पे अप्लाई हो रहा होगा वो प्रेशर कितना होगा हो रहा होगा वो रहा हो रहा होगा नाइन पॉइंट एट वन किलोनीटर पर मीटर स्क्वायर नाइन पॉइंट एट वन किलोनीटर पर स्क्वायर लेकिन लेकिन अब हमें क्या है हमें पता होना चाहिए कि जो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो बहुत ही आसानी से एक वर्कर और एक लेबर या एक इंजीनियर और एक इंसान जिसके अंदर में वो काम कर सकता है वो प्रेशर होता है थ्री थ्री फोर्टी थ्री किलोमीटर पर मीटर थ्री फोर्टी थ्री किलोमीटर पर मीटर एक लिमिटिंग प्रेशर है जिसके अंदर में किसी भी लेबर या वर्कर या इंजीनियर या किसी भी इंसान को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम क्या करेंगे इस इस प्रेशर को हम इस प्रेशर इंटेंसिटी से इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम हाइट ऑफ हाइट ऑफ वो निकाल लेंगे कि कितना हाइट होना चाहिए कितना मैक्सिमम हाइट होना चाहिए तो ये प्रेशर 343 है और एक मीटर पे प्रेशर 9.81 तो एच मीटर पे कितना हुआ था 9.81 पॉइंट एट वन इंटू एच तो, तो यहाँ से हमें पता चला कि एच इक्वल टू थर्टी फाइव मीटर यानी कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम हाइट ऑफ न्यूमेटिकेशन जो होगा वो 35 मीटर से ज़्यादा हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं मैक्सीम डेप्थ थर्टी मीटर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं अब कंस्ट्रक्शन अब प्रोसेस जो है जो न्यूमेटिकेशन केशन uh, uh, को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहला प्रोसेस है दिस केशन इज संक एज यूजल थ्रू वाटर टिल नो ट्रेवल इज जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तब तक तो नॉर्मल जैसे सिंकिंग होता है ऊपर से हैंग करके हम नीचे की तरफ पेनिटेट करते हुए चले जाएंगे जब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर क्रिएट प्रॉब्लम इन वर्किंग एंड एयर लॉक इज फ्लोटेड फ्लोटेड टू द साइड ऑफ़ द वर्क होस्टेड एंड प्लेस्ड इन साइड द केशन जब वाटर का प्रेशर जब सपोज करिए जब हम प्रेशर लगा रहे होंगे तो जैसे जैसे हम वाटर जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे नीचे चलते चले जाएंगे तो साइड का जो केशन के जो साइड का जो फेस रहेगा उसके ऊपर में वाटर का हेड बढ़ता चला जाएगा वाटर का हेड जिसके कारण से एयर वाटर जो उस पर प्रेशर लगाना शुरू करता है उसकी वजह से क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम इनकाउंटर हो सकता है हमें प्रॉब्लम फील होगी कि हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे उस केस में क्या किया जाता है कि जो एयर लॉक था जो हम एयर लॉक डायग्राम में हम लोग बात किए थे उस एयर लॉक को वहां पे क्या किया जाता है सप्लाई किया जाता है उस उस एयर को जब हमने सप्लाई किया तो उस एयर के प्रेशर से उस एयर लॉक के प्रेशर से हम क्या करेंगे अब फर्दर इंस्टॉलेशन और सिंकिंग हम स्टार्ट करेंगे जब एयर लॉक वहाँ पहुंच गया वाटर इनसाइड द केशन जो है उसको हम लोग बाहर पंप आउट करना शुरू कर देंगे और कंप्रेस एयर कोल का यूज़ करेंगे सो so दैट कि कोई भी वाटर उस स्टेशन के अंदर में इन प, प, आ, आ, अंदर की तरफ ना आ पाए मतलब एक तरह से एक तरह से हम एयर प्रेशर डाल रहे हैं एयर प्रेशर डाल रहे हैं कि वाटर का लेवल नीचे रहे और दूसरी तरफ से हम पानी निकाल रहे हैं दूसरी तरफ से हम पानी बाहर की तरफ कर रहे हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं कि अगर हम एयर प्रेशर मेंटेन करके नहीं रखें सो दैट तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो नीचे से इन्फिल्ट्रेशन होगा वो पानी का बढ़ता चला जाएगा और हमारा पानी का लेवल राइज होता चला जाएगा जिसकी वजह से जिस पर्पज के लिए हम केशन का यूज़ कर रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए केशन का यूज कर रहे हैं वो पर्पज फुलफिल नहीं होगा वो पर्पज यानी कि हमारा मेन पर्पज़ क्या था केशन यूज़ करने का कि हमें एक ड्राई साइड चाहिए डी वॉटर्ड साइट चाहिए जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन आपकी एक्टिविटी हम लोग बहुत ही आराम से कैरी कर सके लेकिन लेकिन जब जब वाटर जितना पंप आउट बाहर हो रहा है उससे ज्यादा वाटर अगर सिंक के अंदर में आ जा रहा है या केशन के अंदर में आ जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो लेवल कभी खाली नहीं रहेगा जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करना होगा द नेक्स्ट स्टेप जो था द वर्क ऑफ फाउंडेशन इज स्टार्टेड बाई सेंडिंग द लेबर टू द वर्किंग चेंबर एंड द हाइट ऑफ वर्किंग चेंबर इज केप्ट अबाउट टू मीटर एंड द लाइटिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड उसके बाद हम क्या करेंगे जब हम केशन इंस्टॉल कर दिए वाटर को डी डिटर कर दिए सर्फेस ड्राई कर दिए तब हम क्या करेंगे जो जिस पर्पस जिस पॉइंट पे हमें अपना कंस्ट्रक्शन या जिस पॉइंट पे हमें अपना फाउंडेशन स्टार्ट करना था जिस पॉइंट पे उस उस एरिया में हम लोग वर्किंग चैम्बर बनाएंगे और उस वर्किंग चैंबर की जो हाइट होती है वो दो मीटर होती है दो मीटर से से कम की हाइट नहीं रखेंगे दो मीटर से कम की हाइट नहीं रखेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड आदमी की हाइट होती है वो वन टू वन मीटर होती है तो अगर हम दो मीटर से कम हाइट रखेंगे तो जो भी वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा होगा उस उसके अंदर में उसका जो मोशन होगा उसका जो मोशन होगा सपोज़ करें फवारा अगर यूज़ कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उसको यूज़ करने में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने में दिक्कत होगी इसीलिए हम लोग मिनिमम हाइट जो होता है वो दो मीटर रखा जाता है और एक प्रॉपर लाइटिंग का क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल से थोड़े नीचे रहेंगे तो एक प्रॉपर लाइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है द एयर प्रेशर अप्लाइड इन द वर्किंग चैम्बर शुड बी सफिसियंट टू कीप आउट द वाटर एंड फॉर म ड्राई रीजन दिस रीजन इज नोन इन्फिल्ट्रेशन जोन जो रीजन जो रीजन ड्राई किया गया है ड्यू टू द एयर प्रेशर की वजह से उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन जो होता है एक्सकावेटेड मटेरियल जो होता है वो जो एक बकेट में हम उसको डालते हैं और बकेट जो होता है वो केवल से रहता है और उसे हम ऊपर लाके ground ग्राउंड सर्फेस पर ला हम उसे डंप करते चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब अगर आप सिंकिंग में अगर और प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सेल्फेट अगर सफिशियंट नहीं है हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि कितना सेल्फेट होना चाहिए तो अगर सेल्फेट सफिस सफिशियंट नहीं है तो हम एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोसिव या हम एडिशनल ब्लास्ट का यूज करते हैं और तब पेनिट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं जब जब कनकेशन जो होता है एक डिजाइट लेवल पे चला जाता है तो हमें एक कंक्रीट सील प्रोवाइड करते हैं जो कि पानी को पानी का सिपेज नीचे से सीप करने से रसिस्ट करता है पानी नीचे नहीं लाया जाता है ओके अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिकेशन तो एडवांटेज ऑफ न्यूमेटिकेशन जो होता है एज वर्क कैन बी वर्क कैन बी डन इन ड्राई कंडीशन गुड क्वालिटी कंट्रोल इज मेंटेन मतलब एकदम प्रॉपर ड्राई कंडीशन क्योंकि एयर के प्रेशर से वो ड्राई हो रहा होता है तो एक कंप्लीट एक प्रोपर क्वालिटी कंट्रोल में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट टॉयल टेस्ट आर पॉसिबल टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल नेक्स्ट मतलब पूरा ड्राई कंडीशन है तो जो हम नॉर्मल नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे जब फाउंडेशन कर रहे होते हैं उस टाइम में जो जो प्रोसेस हम करेंगे वो प्रोसेस कंप्लीटली हम न्यूमेटिकेशन के केस में हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं वर्टिकली ऑफ न्यूमेटिकेशन कैन बी इजिली चेक एंड कंट्रोल एज कंपेयर टू ओपन केशन ओपन केशन के रिस्पेक्ट में जो वर्टिकल हाइट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ऊपर से एक कवर की तरह लिट होता है उसका भी वेट जो होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में होता है सिंस द कंक्रीट इज प्लेस इन ड्राई कंडीशन हायर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ऑप्टेड क्योंकि हमें पता है कि अगर मॉइस्ट सरफेस पे अगर कंक्रीटिंग हम करेंगे तो कंक्रीट अपनी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है जो स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ है उसको अचीव नहीं कर पाएगा तो लेकिन हमारा न्यूमेटिकेशन के केस में जो हमारा सरफेस रहता है वो ड्राई रहता है इसके लिए इसीलिए एक इसीलिए एक हायर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है एक्सकावेशन और प्लास्टिंग कैन मे बी डन इफ नेसेसरी अगर अगर हमें प्रॉपर uh, सिंकिंग नहीं हो रहा प्रॉपर सिंकिंग नहीं हो रहा तो इसका वेट करके हम प्रॉपर सिंकिंग करेंगे दिस अ डिसएडवांटेज क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेटिकेशन इज मच मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ओपन कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्लो रेट ऑफ वर्क प्रोग्रेस क्योंकि हमें बहुत सारा बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है एयर ड्राई करना पड़ता है प्रॉपर वर्क चम्पर बनाना होता है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी होती है तो इस 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 दोनों की वजह से इस सब की वजह से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ता है और हमारा टाइम भी थोड़ा लगता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ तो जो वाटर टेबल होगा मतलब जितना पानी के रिवर का जो डेप्थ अगर पैंतीस मीटर से ज़्यादा है रिवर के का डेप्थ अगर पैतीस थर्टी फाइव मीटर से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे न्यूमेटिकेशन ये नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें पता है कि न्यूमेटिकेशन की मैक्सिमम हाइट थर्टी फाइव मीटर हो सकती है देयर आर चांसेस कि जो क्लोज सराउंडिंग में होने की वजह से हो सकता है कि कॉम्युनिकेबल डिजीज होने की चांसेस होती है और सिंकिंग के टाइम में हाई डिग्री ऑफ स्किल चाहिए होगा प्रॉपर सिंक कराने के लिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग क्वेश्चन फ्लोटिंग क्वेश्चन क्या होता है कि ये एक हॉलो कैशन होता है एक हॉलो केशन होता है जिसके बॉटम से वो सील रहता है बॉटम क्लोज रहता है ओपन ओपन ऊपर टॉप जो रहता है वो ओपन रहता है इसको क्या करते हैं इसको फ्लोट करते करते हम लोग जहां पे भी हम इंस्टॉल करना है वहाँ वहां पे हम ले जाते हैं तो द केशन और देन शंक बाई फिलिंग दैम अब हम इसको अगर नीचे शंक कराना है। पहले तो वो हॉलो था तो ऊपर फ्लोट कर रहा था लेकिन अगर हम जब इसे शंक कराना और हमें आ, बियरिंग बेड पे ले जाना बियरिंग स्टेटा पे ले जाना तो उसके अंदर हम क्या करता है सैंड और ग्रेवल से हम उसकी वेट बढ़ा देते हैं जिसके कारण से वो सिंक कर जाता है फ्लोटिंग केशन डज नॉट ये सॉइल को पेनिट्रेट यानी कि सॉइल के अंदर नहीं जाता ये सॉइल के सर्फेस पर रहता है ऊपर रहता है लोड कैरिंग कैपेसिटी सोलली डिपेंड अपॉन कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बेस कैरिंग कैपेसिटी कितनी है मतलब उस उसकी बेस केरिंग यानी कि जो टोटली totally डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि इस ये जो स्टेटा है इसकी कैपेसिटी कितनी है इस इसपे इस केशन की बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है आफ्टर जब केशन को सिंक का एक जिस अपने बेड लेवल पे जब वो पहुंच जाता है तो उसमें सैंडर ग्रेबल फिल करके हम उसके टॉप से कंक्रीट की कैपिंग कर देते हैं और उसे हम सील कर देते हैं उसे कंप्लीट सील कर देते हैं और ये जो कंक्रीट कैप होता है ये जो कंक्रीट कैप है ये कंक्रीट कैप बेस की तरह करता है फर्दर फाउंडेशन एक्टिविटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी लोड कैरिंग पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन अब दूसरी बात है कि यहां पे जैसे कि पानी है तो पानी फ्लो कर रहा होगा तो यहां पे स्कोरिंग होना शुरू हो जाएगा एज के पास तो इस चीज इस से रेसिस्ट करने के लिए हम रेप रैप का यूज करते हैं रैप का यूज करते हैं ताकि हम लोग स्कोरिंग स्कोरिंग को और कम कर सके एडवांटेज ऑफ केशन क्या तो केशन जो होता है वो बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से हम इसे, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं फ्लोटिंग प्री फेब्रिकेटेड होता है प्रीकास्ट होता है तो प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल होती है फ्लोटिंग कैशन जो होता है वो थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है क्यों क्योंकि यहां पे कोई आपको सिंकिंग करने का कॉस्ट नहीं है ब्लास्ट का कॉस्ट नहीं इंक्लूड हो रहा है बस एक हॉलो कास्ट बनाना है और उसके अंदर में ग्रेवल और सैंड फिल करना है डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग कैशन क्या होता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लोटिंग कैशन इज लेस एज कंपेयर टू ओपन कास्ट ओपन केशन फाउंडेशन बेड हैज़ टू बी लेवल जो फाउंडेशन बेड है जिसके ऊपर में ओपन केशन रेस्ट कर रहा था वो एकदम लेवल होना चाहिए एकदम फ्लैट होना चाहिए तभी जाके द बेस ऑफ केशन इज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट जो केशन का जो बेड है उसको स्कोरिंग की इफेक्ट से भी हमें बचाना होगा ओके थैंक यू